का उत्साह है और दूसरी तरफ ये अलौकिक तस्वीर है। और ये बहुत खास इसीलिए भी है क्योंकि अब रामलला अपने अपने घर में विराजमान है, उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है। और ऐसे वक्त में पहली रामनवमी को और खास कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये सूर्य तिलक 4 मिनट तक यहाँ पर किया गया। और देखिए राम, प्रभु श्री राम के भक्तों का सैलाब इस वक्त अयोध्या में उमड़ा है। और ये जो सूर्य तिलक है वो अब संपन्न हो चुका है, पूरे 4 मिनट तक ये सूर्य तिलक किया गया। और ये अद्भुत संयोग इस बार इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ था वैसा ही संयोग इस बार ग्रहों का भी बन रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबीना और मोनिका हमारे साथ हैं। पहले सबीना, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें मिल रही हैं? सूर्य तिलक संपन्न हो चुका है। सबीना आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आई है। जी हां जी बिल्कुल। और देखिए हमारे जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो धार्मिक हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जो धर्म की राह पर पहुंचाते हैं, उनके हिसाब से, हमारे ग्रंथों के हिसाब से इस वक्त अयोध्या में क्योंकि रामलला का जन्म हो चुका है, इसलिए 33 कोटि के जो देवी देवता हैं वो पधार चुके हैं। साक्षात महादेव भी इस वक्त अयोध्या में ही है। अगर धर्म के लिहाज से, भक्ति के लिहाज से माना जाए तो आप यकीन मानिए कि किसी भी रूप में इस वक्त भोलेनाथ महादेव मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव के आराध्य भी श्री राम हैं। और जब रामलला का जन्म हुआ था तो वो खुद अपने लोक में नहीं रहे, बल्कि रामलला को देखने के लिए मानव स्वरूप उन्होंने धारण किया। और इस वक्त भी कह रहे हैं कि अयोध्या में 33 कोटि के देवी देवता मौजूद हैं। यानी हमारे आसपास अगर हम भक्ति का भाव देखें तो न जाने किस में इस वक्त हमें प्रभु नजर आ जाए। वैसे तो भक्त सबसे बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य तिलक हो चुका है, जैसा आपने भी इन तस्वीरों के साथ बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ वर्णन किया है कि ये बहुत अद्भुत, वो दुर्लभ संयोग है जो यूं ही यहाँ पर नहीं मिलता है। और देखिए इन भक्तों के अंदर वो भक्ति भाव है जो ये बताता है कि सूर्य तिलक को देखने के लिए ये देश से ही नहीं, विदेशों से भी आए हैं। चाहते तो घर बैठकर भी देख पाते, लेकिन सच यही है, जिसने राम का नाम ले लिया उसे अयोध्या ही आने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठकर अपने पूर्ण जीवन को संपूर्ण बना सकता है। और आज सूर्य तिलक, क्योंकि रामनवमी हर साल मनती है, क्योंकि चैत्र त्रेता युग में, चैत्र मास में, शुक्ल पक्ष में 9वें दिन में रामनवमी बनती है। पर कहते हैं क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसलिए बहुत से भक्त कह रहे हैं कि हमारे लिए तो रामलला का जन्म आज ही अयोध्या में यहाँ पर हुआ है। बाबा, अयोध्या में रामलला का जन्म हो गया है, सूर्य तिलक हो चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मन यही दुनिया रह जाए। इस बार सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा हुई इसलिए, रामलला की प्रतिष्ठा हुई इसलिए अच्छा लग रहा है बाबा। हाँ, मन खुश है, एकदम प्रफुल्लित। आपको कैसा लग रहा है? अरे इतना आनंद हम लोग को आया कि क्या बताएं, हमारा जन्म सफल हो गया। अच्छा, जन्म सफल हो गया क्योंकि आज आप यहाँ पर आए हैं, अच्छा महसूस हो रहा है। बाबा आपके हाथ में तो श्री राम अयोध्या मंदिर है, अरे कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, लल्ला का जन्म हो चुका है। हाँ, लल्ला खुश है, बहुत सब आनंद है। अच्छा आपको कैसा लग रहा है? जय श्री राम, जय श्री सीताराम। अच्छा, तो 7 बार आ चुके हैं यहाँ पे। 7 बार आ चुके हैं, तो 7 बार में अब तक में सबसे ज्यादा खास क्या लगा? अभी लगा ऐसा क्या हो गया? अभी पूरा हर अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। यहाँ पर भी एक टोली है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग शरबत बांट रहे हैं, हनुमान जी, हनुमान जी का प्रसाद। देखिए ये भक्ति भाव है, भक्ति भाव सिर्फ खुद में डूबना नहीं बल्कि दूसरे भक्त को आराम देना। इसलिए कहते हैं जो राम का नाम लेता है ना, अगर वो मैं कर रहा है तो फिर वो राम के करीब नहीं पहुँच सकता। अब तो आप अयोध्या में अगर है और अयोध्या के जरिए अगर News18 India देख रहे हैं तो मैं का भाव खत्म, तो समझिए राम नाम में आप जरूर पीऊंगी क्योंकि व्रत है, तो बस रामलला के ललाट होने के बाद ही पीऊंगी। पर ये बताइए कैसा यहाँ पर लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अंतरात्मा से राम जन्मभूमि बन गया, अब उसको समझ लीजिए। हाँ, बहुत खुशी, कितनी सेवा हो रही है राम भक्ति के नाम पर, बहुत खुश है। आप बाबा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं रामलला का जन्म? बहुत अच्छा। जन्म तो इससे पहले भी हुआ है, इस बार क्यों बाबा बड़ी मुस्कान? जय श्री सीताराम, पीएम मोदी जिंदाबाद रहेगा, एकदम से जय श्री राम रहेगा। ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं कि ये सुंदर यहाँ पर ये अयोध्या नगरी को सजा करके अयोध्या में राम जी लला का जयकार मचा दिए हैं। बोलिए प्रेम से मोदी, जय श्री राम। अच्छा, आके नाम क्यों हो रही हैं आपकी? मेरा नाम संत श्री केदारदास, मेरा सुपौल जिला घर है, ग्राम पोस्ट मठियारी है। आप कहाँ से आए हैं, क्या मैं जान सकती हूँ?
मुंबई से आए, मैं देख रही थी आप पूरा शूट कर रहे हैं, तो कुछ खास मकसद राम मकसद के सारे लोग यहाँ पे रुके हैं। देखिए कैमरे में कैद करने की कोशिश, क्योंकि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मकसद सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आस्था से परिपूर्ण तस्वीरें भी पहुंचाना है। तो इसी के साथ देखिए मैं भी यहाँ पर न सिर्फ खुद को बल्कि चाहूंगी कि न्यूज 18 इंडिया की पूरी जो टीम है, क्योंकि नवमी का व्रत भी यहाँ पर उद्यापन होता है, माँ दुर्गा पूरे देश में पूजी जाती है और रामनवमी दोनों का ये संयोग जो है वो महासंयोग है। और इसी के साथ यहाँ पर कहा जा सकता है कि सब खुश है, सबके चेहरे पर एक अलग खुशी है। कैसा लग रहा है मोनिका, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, बहुत खास तस्वीरें हैं। और अब आज तो सूर्यवंशी खुद यहां पर तिलक कर चुके हैं भगवान राम का। मोनिका देखिए जैसे ही सूर्य की किरणें हैं प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ी, तो देखिए आप जितने भी भक्त जन यहाँ पर पैदल चलकर आ रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। आज सूर्य की किरणें जो है प्रभु श्री राम के ललाट की शोभा बढ़ा रही है। वैसे ही जितने राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं देखिए उनका स्वागत फूलों से किया जा रहा है। ये देखिए बड़ी तादाद में जो अवधवासी है, दूर दराज से जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत फूलों से कर रहे हैं। आपको मैं उस भाव को समझा नहीं पाऊंगी शब्दों में। जब प्रभु राम के ललाट पर सूर्य अभिषेक हो रहा था तो पूरा मंदिर जो है घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। और मान्यता तो यही है जब घंटियां बजती है तो प्रभु देवी देवता खुश होते हैं, घर में समृद्धि खुशी आती है। बाबा जी सूर्य अभिषेक हो चुका है, प्रभु श्री राम अवतरित हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको घंटियों की आवाज सुनाई थी जब अंदर सूर्य अभिषेक हो रहा था? नहीं नहीं मुझे सुनाई नहीं थी, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं यहां। अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मुझे जैसा फील हो रहा है। सूर्य अभिषेक हो चुका है, प्रभु श्री राम को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग जो है हर्षोल्लास से जो है धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएं। बिल्कुल देखो राम नाम का जप अंदर हो रहा है और यहाँ देखिए राम नाम जपते हुए तमाम भक्त जन जो है वो प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई है। अच्छा आपने आवाज वो सुनी, वो घंटियों की आवाज कैसा मन में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सूर्य अभिषेक भी प्रभु श्री राम का हो चुका है, अवतरित हो चुके हैं, आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं और सुबह बिल्कुल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। जय श्री राम। अच्छा कहाँ से आए हैं माता जी आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र। अच्छा आप तो उस वक्त थी जब सूर्य अभिषेक हो रहा था, घंटियों की आवाज मंदिर में सुनाई देती, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा दो बार हम अभी तक दर्शन कर चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप कहाँ से आए? मैं भी इनके साथ। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अयोध्या इतनी खूबसूरत लगेगी आपने कभी सोचा था? नहीं, बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है और मंत्रोच्चारण में भी चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, बहुत खूबसूरत नजारा है अंदर और प्रभु श्री राम के दरबार में। हम यहाँ जरिए देखेंगे, लेकिन जरा दर्शकों को अयोध्या के राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहाँ इस वक्त मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही सूर्य अभिषेक जो है वो संपन्न हुआ है और अब प्रभु श्री राम के आगे तमाम जो पुरोहित हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मंदिर के अंदर से। महाराजाय नमः। श्री मद्भगवच्चरणाय
वहां पर अगर आज इस वक्त कुछ सुनाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम है। और अगर आप भी अयोध्या नहीं जा पाए हैं तो फिर न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप रामलला के दर्शन आज ऐसे वक्त में कर लीजिए जब खुद सूर्य अभिषेक यहां पर सूर्यवंशी ने कर दिया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब पूरे 4 मिनट तक ये सूर्य अभिषेक हुआ है रामलला का। और आप तस्वीर जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये अद्भुत नजारा है जिसका इंतजार वर्षों से युगों युगों से किया जा रहा था। और दर्शकों को हम सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या की पावन धरती पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और मंदिर के अंदर की तस्वीरें तो आपने देख ली, सूर्य अभिषेक की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन जो भक्तों का उत्साह है वो कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।